subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Hi friends, तो आपका जो है ये वीडियो पार्ट टू है आपका वैलेंसी का, हाउ टू फाइंड वैलेंसीज, ठीक है। इसका जो है वीडियो ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग समझ गए थे कि कैसे हम लोग वैलेंसी को निकालते हैं, ठीक है। तो उसी में किसी का एक आया था कमेंट्स कि भैया बता दीजिए कि प्लस माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। वीडियो में हम प्लस बताए थे, उसमें उन्हीं का कमेंट था कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है, तो उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में कि कैसे निकालते हैं वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए आपको चार वर्ड सीखने होते हैं, के एल एम एन, ठीक है। के एल एम एन जो है आपको लिखना होता है। के में जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं, एल में आठ होते हैं, इनमें 18 होते हैं और इनमें 32 होते हैं, ठीक है। एम वाले में कैसा है, क्या चीज कि 8 हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स और 18, ठीक है। 8 और 18, 8 कब करेंगे इसका यूज, 8 का यूज कब करेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन 8 के नजदीक हो, ठीक है। 8 के नजदीक हो तो हम उस समय 8 से हम उसको घटाएंगे, और 18 का कब यूज करेंगे, जब 18 के नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 15 बताइए 18 के नजदीक है या 8 के नजदीक है, 18 के नजदीक है तो क्या करेंगे इसको, सॉरी इसको 18 में से घटा देंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं आगे। तो ये इतना था आपका फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि पिछले वीडियो में क्या कैसे हुआ था, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे, ठीक है। कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर भी जा सकते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए कि आप जब वैलेंस निकाल रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स वो आपका क्या है कि 4 से कम आ जा रहा है, ठीक है। 4 से कम आ रहा है या 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, क्या करते हैं उस समय, पॉजिटिव लगाते हैं, जो भी आपका वैलेंसी आता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, वहाँ पे प्लस का साइन यूज करते हैं। और जब आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसमें क्या करते हैं, निगेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। निगेटिव का क्या करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड आपको ये फिगर बताया था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो था आपको फिगर बताया था कि आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये आपका क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। और लास्ट वाला को क्या कहते हैं, जो सबसे न्यूक्लियस के पास में होता है उसको कहते हैं इनर मोस्ट सेल्स, ठीक है, इनर मोस्ट सेल कहते हैं, ठीक है, इनर मोस्ट। फ्रेंड ये आप समझ गए, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था इसको और अभी भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये समझाने के लिए आपको ये समझाना जरूरी था, इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो फ्रेंड इसको करने के लिए आपको समझ में आया, तो इसका मतलब है कि ये जो चार, जो चार से बड़ा, जो छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, छोटा चार या चार से छोटा, ये कहाँ होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में जो है आपका होना चाहिए। जैसे आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए कि आपका 6 आ गया है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो है 6 आ गया है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। जब 8 से घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर हम मान लीजिए कि 2 आ गया आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या करेंगे, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4 से क्या है वो छोटा है, और 6 क्या था, 4 से बड़ा था, तो ये निगेटिव साइन, ये 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। और इसके बाद आपको बस यही समझाना है, आउटर मोस्ट सेल हो गया और ये इनर मोस्ट सेल हो गया, जैसे कि ये के एल एम, एक और बना लीजिए, ये एन हो जाएगा, के एल एम एन, 2, 8, 18 और 32, इसी तरह से होता है आपका। ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा कि आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, और ये पहला वाला इनर मोस्ट सेल हो जाएगा। और आउटर मोस्ट सेल कहाँ देखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव लगाने समय। पॉजिटिव कब लगाएंगे, जब आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो या 4 के बराबर हो, तब पॉजिटिव लगाएंगे। तो निगेटिव कब लगाएंगे, जब 4 से बड़ा हो, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम देखेंगे प्लस माइनस का साइन आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से, तो फ्रेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8 पे, ठीक है, 8 पे जो है आपका ऑक्सीजन आता है। और अगर नहीं आप याद किए हैं एलिमेंट्स का नेम, तो आपको फर्स्ट वीडियो में दिया गया एलिमेंट्स का नेम, वो जाके याद कर लेंगे, ठीक है। और एक अगले वीडियो में हम जो पीरियोडिक टेबल है उसका कैसे शॉर्ट में याद करा जाता है एलिमेंट्स का सारा नाम, वो डालने वाले हैं, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा।
अभी समझ लीजिए इसको, तो ऑक्सीजन 8 पे आता है, ठीक है। अब इसका हम निकालने वाले हैं वैलेंसी, के एल एम एन, ठीक है, ये लिख लेंगे 2, 8, 18, 32 अब हम निकालने वाले हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए कि 8 रुपये किसी ने दे दिया है, अब उसको इसमें खर्च करना है, कैसे करेंगे देखिए, 8 रुपया है, 2 रुपये यहाँ पे खर्च कर दिए, कितना बचा, 6 रुपया बच्चा, यहाँ 6 रुपया क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जो है 6 बचा है, तो 6 बताइए 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, जब ये 4 से बड़ा है तो इसका बताइए कि जो साइन है वो कैसा होगा, पहले साइन बताइए, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, सही बात है, निगेटिव होगा। अब बताइए यहाँ पे, अब 8 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एक और समझ लीजिए, जैसे सोडियम का, सोडियम आता है 11 पे, इसका निकालेंगे KLMN, ठीक है, 2, 8, 18, 32, ठीक है, इसको 11 रुपया है, अब इसको खर्च करेंगे, यहाँ 2 रुपये खर्च किए, बताइए कितना बचा आपके पास, 9 रुपया, यहाँ पे 8 रुपये हम खर्च कर सकते हैं, तो 8 रुपये हम खर्च कर देंगे। अब आपके पास कितना रुपये बचा, आउटर मोस्ट सेल में आपके पास कितना रुपये बचा, 1 रुपया, 1 जो है वो आपका क्या है, 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, इसका बैलेंस लास्ट में कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल समझते हैं, चलिए, हाँ तो फ्रेंड अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम नियोन का, ठीक है, नियोन का लेते हैं जो 10 पे आता है, 10th पे आता है, ठीक है, 10th पे आता है ये। अब इसका देख लेते हैं, वही लिखेंगे KLMN, 2, 8, 18, 32, ये वाला केस आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और कमेंट कर दीजिएगा। तो ये वाला देखते हैं, 10 रुपया आप इसको खर्च कीजिए, 2 आपके पास कितना बचा, और 8, यहाँ 8 भरना ही था तो आपके पास 8 रुपये हैं ही, तो यहाँ टोटल भर देंगे, तो आउटर मोस्ट सेल में आपके पास कितना रुपया बचा, 0 रुपया, तो 0 यहाँ पर भरेंगे तो इसका बैलेंस कितना है, 0, नियोन का बैलेंस कितना है, 0। और आप ये याद रखिएगा कि जिसका भी बैलेंस 0 हो वो क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, ठीक है, जिसका भी बैलेंस आपका 0 हो जाए तो वो क्या होता है, इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। तो ये आपका नियोन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, वो सारी बातें आपको सिलेबस जब हम करेंगे 9th और 10th का, तो उसमें बताएंगे इनर्ट गैस क्या होता है और हाइड्रोजन सरणी क्या होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का, क्लोरीन आता है आपका 17th पे, इसका देखिए KLMN, 2, 8, 18, 32, अब इसका भरिए 17 है, भरिए 2, 17 में से 2 जाएगा, बताइए कितना बचा, 15 ना, 15, अब यहाँ पे 8 रुपये खर्च करना है तो 8 रुपये यहाँ खर्च कर दीजिए, 8 रुपये खर्च कीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा टोटल, 7 रुपये और बच जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 18 रुपये खर्च करना है, ठीक है, और 7 रुपया, तो हम आपको बताए थे एक केस, एम का केस बताया था ना, 8 या 18, तो बताइए कि यहाँ पे 7 रुपये आपके पास बचा है तो ये किसके नज़दीक है, 8 के नज़दीक है, तो क्या करेंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे, और ये बताइए कि आउटर मोस्ट सेल में कितना आपके पास बचा है, 7 रुपये ही बचा है, ये बताइए 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो कौन सा साइन, निगेटिव साइन, ठीक है, तो 8 में से 7 को घटाएंगे, 1 बचेगा और इसका साइन के साथ लिख देंगे -1, तो ये आपका हो जाएगा। फ्रेंड अब आपको समझ में आ गई ये वैलेंसी निकालना और प्लस माइनस का भी झंझट जो है आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपका वीडियो आते रहेगा इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और ये समझ में आया तो कमेंट जरूर करेंगे, सॉरी ये आपको कर दिया ऐसे गंदा लग रहा है, चलिए जल्दी कोई बात, और ये आपका जब समझ गया तो कमेंट करेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।